नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। भारतीय नौसेना ने निकाली रिक्तियां। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ट्रेडमैन के 1159 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक और ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में बनाए जाएंगे लगभग 12 लाख नए राशन कार्ड। बिहार में जल्द ही लगभग 12 लाख राशन कार्ड बनाए जाने हैं। खाद्य विभाग प्रदेश की वर्तमान राशन कार्ड संख्या को बढ़ाने की जुगत में जुट गया है, जिसके तहत पूरे 11.50 लाख नए राशन कार्ड बनाने की पहल शुरू की जा रही है। जिलावार पात्र राशन कार्ड धारकों को निशानदेही कर ली जाएगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर इसको लेकर सहमति दे दी है। दरअसल खाद्य विभाग मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को सरकार राशन मुहैया करवाने के दायरे में लाने की पहल कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल 11.50 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त आवंटन और मांगा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार से हरी झंडी मिलते ही पहचानने गए पात्र लोगों के राशन कार्ड की छपाई शुरू कर दी जाएगी। बिहार में मौसम अब लेगा करवट। बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में औसत उच्चतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका है, जो सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है, जिसके बाद अगले 24 घंटे में उच्चतम तापमान में भी इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जहां एक तरफ बिहारवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले 1-2 दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कई जिलों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी। बीपीएससी ने बिहार 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 31वीं न्यायिक सेवा की प्री परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें, यह परीक्षा कुल 249 पदों के लिए ली जाएगी। इसके लिए प्री में कुल 2379 सफल उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की संभावित तारीख 8 अप्रैल बताई जा रही है। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले की महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। यह प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बायां नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यही उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म भी हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती ने जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां वर्ष भर पहुंचते रहते हैं। 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल मार्च से हो सकते हैं शुरू। कोरोना काल के लंबे समय के अंतराल के बाद अब प्राथमिक स्कूलों को भी खोलने की तैयारी हो रही है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत मार्च के पहले सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल की 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं शुरू की जा सकती है। प्राथमिक स्कूल को खोलने के फैसले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा समूह की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद छात्रों के लिए स्कूल खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि अलग अलग फेज के तहत पहले ही कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं कोचिंग संस्थान और उच्च शिक्षण संस्थान को खोला जा चुका है। नेपाल से सस्ता पेट्रोल ला रहे हैं। बिहार नेपाल सीमा पर बसे लोगों ने पेट्रोल की कीमतें महंगी होने का एक नया तोड़ निकाल लिया है। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में लोग पेट्रोल लाने पड़ोसी देश नेपाल जा रहे हैं। अररिया और किशनगंज जिले से पेट्रोल तस्कर पगडंडियों के सहारे नेपाल के रास्ते पेट्रोल लाकर उसकी तस्करी सस्ते में कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में इस समय पेट्रोल की कीमत भारत के मुकाबले 22 रुपए प्रति लीटर तक सस्ती है। आपको यह भी बता दें कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है। IOC नेपाल और ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है और नेपाल से केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। इस संबंध में पुलिस और SSB के जवानों ने सीमावर्ती इलाके में चौकसी तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से पेट्रोल की तस्करी होने का बुरा खामियाजा बिहार के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों को भुगतना पड़ रहा है।
भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने राज्यों में शुरू किया DCLR मॉड्यूल। जमीन मामले में बढ़ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में अनियमितता को समाप्त करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। पिछले दिनों विभाग के माध्यम से राज्य में ऑनलाइन DCLR मॉड्यूल लागू किया गया। इसके लागू होने के कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। खबरों की माने तो इस मॉड्यूल की मदद से राज्य में दाखिल खारिज संबंधी आदेशों का पालन अंचलाधिकारी के लिए आवश्यक हो गया है, जिसके बाद अब अंचलाधिकारी के माध्यम से भूमि विवाद में लिए गए फैसलों के खिलाफ DCLR कार्यालय में ऑनलाइन अपील की जा सकेगी। सीधे ईमेल के माध्यम से अब कोई भी आदेश जारी किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सिर्फ बिहार में ही हो रहा है काम, उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही है। इस बाबत बीते दिन ग्रामीण कार्यालय मंत्री श्रवण कुमार धनरुआ में विश्व बैंक से बने पंचायत सरकार भवन स्थित जीविका का CLS कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई कार्य बिहार में किए जा रहे हैं। 5% से बढ़कर 17% हरियाली की परत हो गई है। उन्होंने कहा है कि जल जीवन हरियाली के तहत राज्य में वृक्षारोपण, आहर, पईन, तालाब के साथ जल संचय और चेक डैम का निर्माण भी किया जा रहा है। रेल चक्का जाम का बिहार में दिखा छिटपुट असर। बीते दिन किसानों की तरफ से रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जहां एक तरफ कई जगहों पर व्यापक असर देखने को मिला तो वहीं बिहार में छिटपुट असर देखने को मिला। जहां बिहार में विपक्षी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, कृषि कानून के विरोध में जमालपुर मुंगेर के किसान मुंगेर रेलवे स्टेशन की पटरी पर उतरकर विरोध करते देखे गए। इसके साथ ही NCP और माले कार्यकर्ता ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच कई स्टेशनों पर प्रदर्शनकारी झंडा बैनर के साथ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते देखे गए, जिसके बाद बिहार भर में छिटपुट असर देखने को मिला। हालांकि रेल चक्का जाम और ट्रेन सेवाएं बाधित होने की आशंका के चलते पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। जिस बात का डर था वही हुआ। लोजपा के बागी नेता केशव सिंह ने जिस बात की भविष्यवाणी की थी वही सही साबित हुई, जिसके बाद लोजपा पार्टी और चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत लोजपा के लगभग 208 नेताओं ने जदयू की सदस्यता बीते दिन ग्रहण करने का काम किया है, जिसके बाद जानकारों की माने तो पार्टी के कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों ने पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड का दामन थामने का काम किया है। इतना ही नहीं, इन बागियों की बगावत से पहले ही राजधानी पटना में हर जगह पर सुबह से ही लोजपा के इन नेताओं के समर्थन में पोस्टर लगाने का काम शुरू किया जा चुका था। बिहार में जलीय जीवों के सर्वेक्षण का काम हुआ शुरू। बिहार में जलीय जीवों के सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका काम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के विशेषज्ञों के साथ वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग ने नेपाल बॉर्डर की तरफ से सर्वे का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेपाल बॉर्डर से सुपौल सहरसा होते हुए कटिहार के कुर्सेला तक कोसी नदी में पल रहे डॉल्फिन, कछुआ, पंछी, सांप सहित अन्य जलीय जीव के सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत ही वर्तमान समय में कोसी नदी के किनारे में रहने वाले ग्रामीणों का फीडबैक लिया जा रहा है, जिससे यह जानने की कोशिश की जाएगी कि कितनी संख्या और प्रकार के डॉल्फिन सहित अन्य जलीय जीवों को हाल फिलहाल में देखा गया है। बिना परीक्षा के कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। कोरोना के माहौल में ही बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने की पहल शुरू की गई है। हालांकि अब स्कूल संस्थानों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, मगर अभी भी प्राइमरी स्कूल के नहीं खुलने के कारण छात्रों के सिलेबस पूरे नहीं हो पाए हैं, और यही कारण है कि एक बार फिर से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को एक बार फिर से प्रमोट करने की तैयारी हो रही है। वहीं कैचअप क्लास के जरिए 3 महीने में छात्रों को पिछले क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। आपको बता दें, कोरोना के कारण बीते 10 महीने में स्कूल संस्थान बंद पड़े थे, जिसे अब धीरे धीरे खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं हाल ही में 1 से 5 तक की प्राथमिक विद्यालय को मार्च से खोलने की बात भी सुनने में आ रही है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आज होगी लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल पर सुनवाई। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई आज होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान ही झारखंड हाईकोर्ट ने इस सुनवाई को 19 फरवरी को करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद आज लालू यादव पर लगे आरोपों की सुनवाई होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दुमका कोषागार मामले में आधी सजा पूरी करने के दावे के बाद ही उन्होंने जमानत की मांग की थी। हालांकि इस पूरे मामले में CBI ने अब दांव पेच फंसा दिया है। CBI की तरफ से यह कहा गया है कि लालू यादव ने अभी तक अपनी सजा पूरी नहीं की है, उनकी तरफ से दायर की गई याचिका ही गलत है, जिसके बाद आज इस बात पर अंतिम निर्णय आने की उम्मीद जागी है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को जल्द ही मिलेगी फेलोशिप। कुछ समय पहले ही बिहार के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ अब तक बिहार के कुल मिलाकर 14,32,000 युवा आसानी से उठा रहे हैं।
पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की सरकार अब कोशिश कर रही है, जिसके तहत ही अब सरकार ने युवाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसको लेकर आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में भी विशेष प्रावधान तैयार किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी जानकारी पेश कर दी है। इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया गया है कि युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण के दौरान ही इच्छुक युवाओं को रोजगार परक शिक्षा के लिए फेलोशिप पाने का अवसर दिया जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। अमृत बाजार पत्रिका का 1891 में दैनिक प्रकाशन शुरू हुआ था। बंगला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक ने आज ही के दिन 1978 में दुनिया को अलविदा कहा था। भारत में 1986 में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत आज के दिन से हुई थी। 1630 में मराठा साम्राज्य के पहले शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जुन्नर में आज के दिन हुआ था। 19 फरवरी 1900 को भारतीय राजनीतिज्ञ बलवंत राय मेहता का जन्म आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही लालू यादव की सेहत को लेकर दिया बड़ा अपडेट। लालू प्रसाद यादव को हाल ही में आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद से लगातार उनकी तबीयत से जुड़ी जानकारी का उनके प्रशंसकों को इंतजार था, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने उनकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन पटना पहुंचते हुए ही बताया है कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है। निमोनिया और नेफ्रोलॉजी की वजह से फिर से स्क्रीनिंग ली गई है, जांच चल रही है। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। न्यायालय पर भरोसा है, बेल जरूर मिलेगी। आपको बता दें, आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन बिहार वापस लौटे हैं। हालांकि अभी पूरा परिवार दिल्ली में लालू यादव के पास है। होली से पहले मिथिलावासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। होली से पहले ही मिथिलावासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके बाद अब यहां के लोगों के लिए दिल्ली जाना और आना आसान हो जाएगा। वहीं अब स्पाइसजेट ने यहां से दिल्ली के लिए दो दो नियमित उड़ान सेवा की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के नए एप्रन का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि विमान के रनवे पर ही खड़े होने की बाध्यता समाप्त हो गई है, जिसके तहत अब एक साथ 3 विमानों को पार किया जा सकता है। विमानन सेवा की दुनिया में दरभंगा हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके बाद अब यहां से नई दिल्ली के लिए एक ही जगह 2 नियमित उड़ान शुरू कर दी गई है। बिहार में खनिज पदार्थों का अवैध खनन करना होगा महंगा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बालू खनन से लेकर पत्थरों तक का अवैध कारोबार सरकार के लिए बड़ी समस्या रही है। जिलों में अधिकारियों के आंखों में धूल झोंक कर लगातार बालू पत्थर का अवैध कारोबार चल रहा था, मगर अब खनिज पदार्थों के अवैध खनन परिवहन सख्ती और बढ़ने वाली है। इसको लेकर सरकार अवैध खनन और इसके परिवहन पर नियंत्रण के लिए ड्रोन की मदद भी ले सकती है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि अवैध खनन की वजह से सरकार को महीनों लाखों लाख के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी खनन को काबू करने के लिए सरकार ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि अवैध खनन की वजह से सरकार को हर महीने लाखों का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी खनन को काबू करने के लिए ही सरकार ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब बिहार में राजस्व जुटाने पर सरकार की रहेगी पैनी नजर। बिहार सरकार अब राजस्व जुटाने की पहल करती नजर आने वाली है, जिसके तहत खान एवं भूतत्व विभाग पर सरकार पैनी नजर बनाकर रखने वाली है। खबरों की माने तो पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाने के लिए ही सरकार आज से शुरू होने वाले बजट सत्र में टैक्स बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, जिसके तहत बिहार सरकार अपनी नजर राजस्व को बढ़ाने पर रखकर चल रही है। शराबबंदी के बाद से इसके व्यापार से आने वाला राजस्व में भी सरकार को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से अब सरकार की नजर खान और भूतत्व विभाग से आने वाले राजस्व पर है। इतना ही नहीं, आज पेश होने वाले बजट में रोजगार के लिए भी राशि आवंटित करने पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है। बिहार के 100 से ज्यादा आईटीआई बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार के सभी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन श्रम संसाधन विभाग के तहत संचालित आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के संबंध में समीक्षा की है, जिसके बाद खबरों की माने तो टाटा टेक्नोलॉजी बिहार के सभी 100 से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को लेकर श्रम संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है। प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि बिहार के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। रेल यात्रा में फास्ट स्पीड इंटरनेट के साथ मिलेगा अब ज्यादा डेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब स्टेशन पर रेलवे ने वाईफाई की सुविधा पहले ही मुहैया करवा दी थी, मगर मौजूदा यात्रियों को केवल 30 मिनट की मुफ्त में इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, अभी यात्रियों को केवल 350 MB ही डाटा खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। स्पीड भी नॉर्मल ही रहती है, जिसके कारण कई यात्री इसका फायदा भी नहीं उठा पाते हैं। हालांकि अब फास्ट स्पीड के लिए रेल यात्रियों को कीमत चुकानी होगी, जिसके तहत रेल वायर के वाईफाई हॉटस्पॉट भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए वाईफाई सर्विस प्लान का विकल्प जोड़ा गया है।
पेड प्लान फास्ट स्पीड के साथ मिलेगा, जिसके बाद अब यात्रियों को फास्ट स्पीड के साथ ज्यादा डेटा के लिए स्टेशन पर मौजूदा यात्रियों को 35 रूपए से लेकर 88.5 रूपए तक खर्च करने होंगे। काजल राघवानी के आरोप के बाद खेसारी लाल यादव ने दिया जवाब। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं है और हाल ही में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा होने से सुर्खियां लगातार बनी हुई है। दरअसल खेसारी ने काजल पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं अब काजल ने भी जवाबी हमले में कहा कि वो मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, अगर मैं उन पर धोखा देने का आरोप लगाऊंगी तो बहुत बातें हो सकती हैं, जिसको लेकर अब खेसारी लाल यादव ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मेरी जनता ही है जो मुझे प्यार करती है। उन्होंने कहा है कि कोई कुछ भी कहे, लोगों का प्यार मेरे ऊपर बरकरार है। लोग मुझे दूसरा सुशांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, मैं सबको कांटों की तरह चुभता हूं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने मॉरिस। बीते दिन इस साल खेले जाने वाले आईपीएल के ऑक्शन का काम किया गया। डीएन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन के लिए चेन्नई में जारी ऑक्शन में साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड़ दे करके अपनी टीम में शामिल किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,690 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,690 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.20 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.18 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, अतीक खान, रानी कुमारी, आयुष, मेक, मनीष कुमार, मंटू, महावीर, ओबलोंग, श्वेता रॉय, प्रदीप, पप्पू कुमार, रामपुकार ठाकुर, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आरक्षण के पैटर्न में अब बदलाव लाने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो किस आधार पर होना चाहिए। इसके जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।